फोर रेजिस्टेंसेस, 40 ओम, 60 ओम, 90 ओम एंड 110 ओम, मेक द आर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अक्रॉस ए सी इज अ बैटरी ऑफ ई एम एफ 40 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी डी इन वोल्ट इज। ओके, तो देखो करेंगे सॉल्व इसको। हालांकि व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, एंड अगर व्हीटस्टोन ब्रिज भी होता तो ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, राइट? चलो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? देखो ये दोनों क्या है, सीरीज में, तो इसका कितना होगा 100, एंड ये दोनों है सीरीज में, कितना होगा 200, एंड ये 100 एंड 200 क्या है पैरेलल में, तो ये होगा 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 200, तो ये आएगा 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 300, चला गया 200 बाय 3 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट? ओके, उसके बाद हम लोग करंट निकालेंगे। बैटरी कितना करंट प्रोवाइड कर रही है, तो करंट प्रोवाइडेड बाय बैटरी इज ई डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो ई क्या है आपके पास, ई है 40 एंड ये है 200 बाय 3, तो ये हो जाएगा 5, तो ये होगा 3 बाय 5 एम्पियर, मतलब 0.6 एम्पियर। करंट प्रोवाइडेड बाय बैटरी कितना है 0.6 एम्पियर। अगेन सर्किट डायग्राम पे आ जाओ। अभी यहाँ पर देखो बैटरी ने करंट कितना प्रोवाइड किया, आए ये करंट आ गया यहाँ पर आए। अगर हम लोग यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल यूज करें, देखो तो ये मान लो 40 ओम में से करंट जा रहा है I1 एंड इधर से करंट जा रहा है I2। लेट इसका डायग्राम ही मुझे बनाना पड़ेगा। देखो डायग्राम कैसे आएगा, ये ऊपर वाला एक ब्रांच, नीचे वाला एक ब्रांच, एंड यहाँ पर एक बैटरी है, राइट? ये है आपका 100 ओम, ये है आपका 200 ओम, एंड यहाँ पर है 40 वोल्ट। तो यहाँ पे करंट कितना आ गया आपका I, ऊपर से करंट I1 चला गया, नीचे से करंट I2 चला गया। अगर करंट डिवाइडर यूज करें तो I1 का वैल्यू क्या है, अपोजिट 200 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 200 इंटू आई, आई क्या है 3 बाय 5, तो ये 3 बाय 5, तो ये 200 बाय 300 मतलब क्या है 2 बाय 3 इंटू 3 बाय 5, तो ये आ जाएगा 2 बाय 5 एम्पियर I1 का वैल्यू। I1 का वैल्यू इतना है, I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट विल बी I माइनस I1। I कितना है 3 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 विच इज इक्वल टू 1 बाय 5। तो देखो यहाँ पर इस सर्किट के अंदर I1 का वैल्यू आपके पास है, कितना है I1 का वैल्यू, 2 बाय 5 मतलब 0.4 एम्पियर। I2 का वैल्यू क्या है 0.2 एम्पियर, एंड I तो आपको 0.6 मिला था। अभी यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पर, अगेन सर्किट में, कि लेट से बी एंड डी के बीच में मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, क्योंकि वही तो हमें निकालना है VBD। अभी ये जो लूप है ना, यहाँ पे लूप इक्वेशन अप्लाई करो, क्या आएगा, वोल्टेज अक्रॉस 40 ओम कितना आएगा, माइनस 40 इंटू I1 कितना है 0.4, बाद में माइनस VBD एंड बाद में वोल्टेज अक्रॉस 90, तो प्लस कितना होगा 90 इंटू I2 है, I2 कितना 0.2, समेशन क्या है 0 अकॉर्डिंग टू KVL, तो 40 इंटू 0.4 कितना आएगा, ये 40 इंटू 0.4 इज 16, राइट? तो ये माइनस 16 माइनस VBD, ये प्लस क्या हो जाएगा 90 इंटू 0.2 इज 18 इज इक्वल टू 0, तो ये VBD का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 वोल्ट, कितना 2 वोल्ट, एंड यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 2 वोल्ट।